तो हम लोग का भी बहुत बड़ा पोपट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। लास्ट मैंने पूजा में व्लॉग किया था, घर में जब पूजा हुआ था, उसके बाद मैंने और व्लॉग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज मैं जा रही हूँ थोड़ा हेयर स्टाइल, मतलब हेयर को चेंज करने के लिए, क्योंकि लेंथ भी ज़्यादा हो गया, मतलब काफ़ी हद तक बढ़ गया और अनहेल्दी हेयर्स ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के पहले हेयर कट करवाया था, तो मोर देन 1 ईयर हो चुका है। ये साल भी ख़त्म होने को आया है, तो इसलिए मैंने सोचा ईयर एंड हो उससे पहले तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करवा लेती हूँ अपने हेयर्स में। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। वीडियो को एंड तक देखना, अनुरिमा मुझे शूट करने में हेल्प करेगी, तो वो भी मुझे ज्वाइन करेगी रास्ते से। तो मैं अभी निकलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ जाके। तो मुझे आ रहा है अभी बहुत ज़ोर से गुस्सा, क्योंकि अरिजीत ने मुझे वाना पर वेट करवाया। ऊपर से मैं अभी एक तरफ चली गई थी, अनुरिमा भी पहुँच गई, लेकिन अरिजीत स्कूटी लेके भी नहीं पहुँचा। क्या बोल रहा है पता नहीं। अभी मैं जा रही हूँ अनुरिमा के सामने, फिर मिलती हूँ डायरेक्ट पार्लर में। हम लोग पहुँच गए, अभी अनुरिमा शूट करेगी बाकी का वीडियो। चलते हैं। हाँ, मिलते बहुत बड़ा पोपट हो गया। ये रिलायंस के अंदर जो पार्लर था वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। ये रहा पूरा बंद, और हम लोग का यहाँ पे बहुत बड़ा कट चुका है। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। मैं उधर से आ गया, मतलब ग्रूमिंग से, और इधर में ये मतलब मोहतरमा बैठी है, ये भी आई है। हाँ, हम लोग आए, वो बताने ही वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे है हम लोग स्टाइलोमेनिया में, और भैया है यहाँ पे, बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली है अभी हम लोगों को। मेरा हेयर कट करने का ज़रूरत है? हाँ, करवा लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी हो अभी देखते हैं कैसा। कितना दिन हो गया भैया यहाँ पे आपका? 3 ईयर्स हो गया। 3 ईयर्स हो गया, और रेस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा। जो भी हो, सर्विस अच्छा मिलेगा तो हर टाइम आते रहेंगे। और आप लोग भी आइएगा यहाँ पे, देखिएगा, हम लोग थोड़ा वीडियो भी डालेंगे। ये तुम वीडियो करना, ये हम लोग का कैमरा मैन है, कैमरा वुमन है। मुझे क्या सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि हम लोग को हेयर, मतलब मुझे स्पेशली, मुझे कब से हेयर कट करवाना था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरे साथ अरिजीत भी ज्वाइन कर लिया, तो उसने भी सोचा वो भी कर ले, तो उसने भी कर लिया। यहाँ पे हम लोग किसी भी जगह और किसी, मतलब किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, जो पर्सनल और ऑनेस्ट रिव्यू है वही मैं देने वाली हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे पहले हेयर वॉश के लिए बिठा दिया, और अरिजीत को हेयर कट करने के लिए। यहाँ पे उसका हेयर कट हो रहा था और मेरा हेयर वॉश हो रहा था। यहाँ का जो स्टाफ है सब बहुत अच्छे है, सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे पूरा वीडियो अनुरिमा शूट कर रही है, मैंने जैसे भी वीडियो में भी बोला था। तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है।
यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो गया, अभी इसको पैड ड्राई करके फिर कोम करके हेयर कट करेंगे। सो मेरा हेयर कट भैया करने वाले हैं जो कि कैबिन में बैठे होते हैं, क्योंकि वही शायद यहाँ का मतलब मेन हेयर स्टाइलिस्ट है। तो यहाँ पे मेरा हेयर को अभी वो ड्राई कर रही है पैड ड्राई, उसके बाद हेयर कट होगा तो आगे आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। स्टार्ट हो गया यहाँ पे मेरा हेयर कटिंग। सो देख लो लेंथ कितना था। मेरा हमेशा का ये है कि मतलब कट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस होता है कि इतना लॉन्ग हेयर था, मैंने क्यों कट किया। बट दिस टाइम मैं कह सकती हूँ मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट हो नहीं रहा है, बिकॉज़ मुझे पता है मतलब हेयर का कंडीशन उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं था मेरा। स्प्लिट एंड्स उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम जो था वो हेयर फॉल का इश्यू था। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इससे पहले मतलब कुछ हेयर्स बचे ही ना मेरे सर पे, मैं कट करके आ जाती हूँ ताकि हेल्दी हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे इस बार मैंने जो हेयर कट लिया वो थोड़ा शॉर्ट लिया, नॉर्मल मेरा हमेशा का जो मैं लेती हूँ उससे। तो यहाँ पे हो रहा है बलिदान मेरे हेयर्स के। अभी ब्लो ड्राई तो हो गया ऑलमोस्ट, अभी भैया आके फिर से भैया हेयर्स को सेट करेंगे, उसको जो जो पार्ट ट्रिम करना होगा वो करेंगे चेक करके। Thank you.
है फाइनल सेट मेरा हेयर्स, तो इसके बाद आप लोग को फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ जनाब का हेयर कट हो गया, अभी हेयर वॉश के मज़े ले रहे, कुछ बकबक भी कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा साउंड कैप्चर नहीं हुआ तो मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ा। और मेरा भी हेयर का काम ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पे। Here's my final look. End तक जरूर देखना, घर पे आके मैंने अच्छे से दिखाया। हेयर कट करना हो गया, सो इसका भी हो गया, देखो और मेरा भी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि बहुत सुंदर से, हाँ बहुत सुंदर से क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस था वो भी बहुत सुंदर से किया एंड में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम जाएंगे घर, अनुमा अभी जाएगी घर। सो इसने बहुत हेल्प कर दिया, ये अगर नहीं होती तो नहीं होता शूट आज पॉसिबल। सो मिलती हूँ मैं घर पर जाकर। ओके गाइज, आई एम बैक होम। सो मुझे तो अपना हेयर कट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हाँ छोटा हो गया, नो डाउट लेंथ बहुत छोटा हो गया, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो अगर आप लोग को भी मतलब हेयर कट करना है तो मैं तो रेकमेंड करूँगी स्टाइलोमेनिया को। ये रहा मेरा फाइनल हेयर स्टाइल, मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ आप लोग को। अभी मैं स्कूटी में आई हूँ इसलिए थोड़ा बिगड़ गया, बट उन्होंने बहुत सुंदर से सेट करके दिया था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।